वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देश का विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वस्थ एवं स्वच्छ भारत ये वे नारे हैं जिनसे हम भारतवासी रोज दो चार होते हैं, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जो इन्हें सच कर दिखाने का जज्बा रखते हैं। यह कहानी है जनपद महाराजगंज के सुंदर से नगर नौतनवा से 25 किलोमीटर पूर्व दिशा में जंगल के किनारे बसे हुए छोटे से गांव बिलहिया के साधारण परिवार में जन्मे एक साधारण से व्यक्ति श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव और उनके द्वारा देश हित और समाज हित में किए गए अथक प्रयासों की। इंडो नेपाल सीमा पर बसे इस प्यारे से नगर नौतनवा की खूबसूरती देखते ही बनती है। लहलाती हरी भरी फसलें, चमचमाती सड़कें, हंसते मुस्कुराते स्कूल जाते बच्चे, पार्क, हॉस्पिटल, मुस्तैद पुलिस प्रशासन, यह सब अपने आप में इस नगर की विकास की गाथा गाते हैं। मैं गुड्डू खान, चेयरमैन नगर पालिका परिषद नौतनवा डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि गाटसन ग्रुप ने इस नौतनवा के पिछड़े क्षेत्र में एक ऐसा डेवलपमेंट का काम किया जहां लोग मकानों के लिए, घरों के लिए, उनके पास ज़मीनें नहीं थी। गाटसन ग्रुप विजय श्रीवास्तव जी की एक पहल कि गरीबों को लेके, मीडियम क्लास के लोगों को लेकर, हर वर्ग के लोगों को एक अच्छा प्लाट उन्होंने मुहैया कराया और इससे नौतनवा नगर पालिका विकसित हुआ। और गाटसन ग्रुप ने एक और महत्वपूर्ण काम किया, माइक्रो फाइनेंस। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस माइक्रो फाइनेंस के जरिए तमाम महिलाओं को आत्मनिर्भर स्वावलंबी बनाने का काम विजय श्रीवास्तव जी ने और गाटसन ग्रुप ने किया है। एक बहुत महत्वपूर्ण इस तराई के क्षेत्र में जहां बैंक दुनिया भर के ऑप्शन उनके सामने रखता था बिना गारंटी के, माइक्रो फाइनेंस गाटसन ने उन गरीब महिलाओं को 20,000 रुपया व्यापार करने के लिए दिया है। एक बहुत अच्छी पहल था। और अभी एक बहुत ही अच्छी चीज, एक अच्छा कॉन्सेप्ट गाटसन ग्रुप के मालिक विजय श्रीवास्तव जी ने सैम्पी नाम से एक सैनिटरी पैड का आगाज किया है। विजय श्रीवास्तव जी ने सैम्पी लॉन्च करके, ये सैनिटरी पैड सैम्पी का लॉन्च करके एक बहुत बड़ी सौगात नौतनवा नगर पालिका को दी है। इससे जो हमारी महिलाएं हैं रूरल एरिए की, जो सैनिटरी पैड का मतलब नहीं जानती हैं, तमाम तरह तरह की उन्हें बीमारियां हो जाती हैं, इसको जागरूक करने के लिए गाटसन ग्रुप और विजय श्रीवास्तव जी की टीम गांव-गांव जाके सैनिटरी पैड को, सैम्पी को गांव-गांव पहुंचाएगी। हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, स्वावलंबी होंगी, बीमारियों से दूर रहेंगी। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इस गाटसन ग्रुप के अच्छे कार्यों को आप सराहिए और इसे आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव ने नगर के विकास को नई गति देने के लिए सन 2015 में गाटसन कंपनी का गठन किया और जिसके अंतर्गत गाटसन इंफ्रासिटी, गाटसन माइक्रो फाइनेंस और गाटसन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों को अस्तित्व में लाकर देश के विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छ एवं स्वस्थ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया। स्वर्गीय लक्ष्मीलाल श्रीवास्तव और श्रीमती सरोजिनी देवी के सुपुत्र
श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव की अपने माँ बाप के जैसे ही धर्म में हमेशा से सच्ची आस्था और श्रद्धा रही। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव और श्री प्रफुल्ल कुमार श्रीवास्तव के सफल नेतृत्व में गौरसन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने हर वर्ग के लोगों को सरल आवासीय योजना चलाकर मासिक किस्तों पर घर और जमीन प्रदान करने का सफल प्रयत्न किया। चौड़ी सड़कें, बिजली, पानी, पर्याप्त नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था करके लोगों की आवश्यकता अनुसार घर और जमीन के सपनों को पूर्ण किया। हमें गारसन होम सिटी में यह मालूम हुआ कि यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है प्लाट के लिए, तो मैं भी आकर के यहाँ ज़मीन लिया, जिसका हमको बड़ा अच्छा लाभ मिला। 25 फुट सड़क और पानी की सुविधा अच्छी रही। इससे गारसन कॉलोनी के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छी कॉलोनी हुई इस नौतनवा क्षेत्र में। पिताजी ने 2014 में गौरसन होम सिटी में प्लॉट लिया था और उस समय यहाँ पे सबसे पहली ये रेजिडेंशियल कॉलोनी के दौर पर डेवलप हुई थी नौतनवा में। और जब इनका लॉन्चिंग हुआ था तब विजय प्रताप श्रीवास्तव जी ने, जो कि डायरेक्टर भी हैं गौरसन इंफ्रासिटी के, उन्होंने काफ़ी कम किस्तों में और सस्ते दामों पर प्लॉटिंग कराई थी कि सबको प्लॉट आसानी से मिल जाए और सब लोग अपना घर बना सकें। और गौरसन होम सिटी काफ़ी पॉपुलर भी हो गया है 2014 के बाद। आज 2021 में हम लोग हैं और 7 सालों में इस कॉलोनी में काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। और हमारे चौड़ी सड़कें हैं, 20 से 25 फीट की चौड़ी सड़कें और काफ़ी अच्छा और काफ़ी रेजिडेंशियल है, प्योर रेजिडेंशियल कॉलोनी के तौर पर यह डेवलप हुआ है। काफ़ी साइलेंट और पीसफुल एटमोसफियर है यहाँ का। यहाँ से नियर बाई में स्कूल भी है, जो कि हॉली क्रॉस स्कूल पड़ता है, काफ़ी रीचेबल है। और नियरेस्ट में हॉस्पिटल भी है, पेट्रोल पम्प वगैरह की सुविधा भी पास में है और इंटरनेशनल हाईवे भी बहुत नियरेस्ट टचिंग है एकदम। और यहाँ पे बात नीट एंड क्लीन एटमॉस्फेयर भी है। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मुझे यहाँ ऑफिस जाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके नाम पे गौरसन होम सिटी काफ़ी फेमस है हमारे एरिया में। गौरसन ग्रीन सिटी गौरसन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंतर्गत आने वाली द्वितीय आवासीय योजना है। प्राचीन हनुमान जी के मंदिर के आसपास बसी यह आवासीय योजना नौतनवा नगर के विकास की ओर गौरसन इंफ्रास्ट्रक्चर का बढ़ता हुआ कदम है कि जिसके अंतर्गत सिटी हॉस्पिटल, श्रृंखलाबद्ध तरीके से बने हुए मकान, स्कूल, सोसाइटी पार्क, चौड़ी सड़कें, सुव्यवस्थित बिजली, पानी और नालियों का बेहतरीन प्रबंध है। अंतरराष्ट्रीय हाईवे पर बसी यह आवासीय योजना गौरसन कंपनी की ओर से नगरवासियों के लिए अपने सपनों को साकार करने का सुनहरा अवसर है। गौरसन कॉलोनी भी गौरसन इंफ्रासिटी कंपनी के अंतर्गत आने वाली भविष्य की आवासीय योजना है, जो कि नगरवासियों के समक्ष उनकी ख्वाहिश को पूर्ण करने हेतु बहुत ही जल्द कई लाभदायी अवसर लाने वाली है। मेरा भी है एक सपना, एक घर हो अपना।
श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव की यह सोच और आगे बढ़ती है। नारी सशक्तिकरण के सपने को साकार करने के लिए सन 2016 में गॉडसन माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनी का गठन किया कि जिसके जरिए समाज के निम्न से निम्नतम वर्ग की महिलाओं की आर्थिक समस्याओं का समाधान कंपनी द्वारा माइक्रो लोन यानी न्यूनतम ऋण देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने का एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। गॉडसन माइक्रो फाइनेंस एक ऐसी संस्था है जिसमें हम बिलो पॉवर्टी लाइन गरीब महिलाओं, जो कि ऐसी महिलाएं जिनके पास रोजगार के कोई साधन नहीं होते हैं, उनको हम छोटे लोन के रूप में, माइक्रो लोन के रूप में हम उनको लोन उपलब्ध कराते हैं। हम लोगों ने 10,000 रुपये से स्टार्ट किया और उनको लोन देना शुरू किया। जिन महिलाओं के पास हुनर था, उस लोन लेने के बाद से वो आगे बढ़ी और आज सफलता की नई ऊँचाइयों को छू रही हैं। 10,000 रुपये से स्टार्ट किया लोगों ने, किसी ने हमसे ब्यूटी पार्लर के लिए लोन लिया, किसी ने हमसे वेजिटेबल शॉप के लिए लोन लिया, किसी ने ग्रोसरी शॉप के लिए लोन लिया, किसी ने हमसे डेयरी के लिए लोन लिया, एग्रीकल्चर लोन लिया, बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनके पास बच्चों की फीस के लिए पैसे नहीं होते थे लेकिन वो हमसे लोन लेके अपने बच्चों को आगे प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए उन्होंने लोन लिया। और आज वो महिलाएँ और उन महिलाओं के साथ साथ उन्होंने हम लोगों से लोन लेके अपने पति को भी अपने काम में हिस्सेदार बनाया। गॉडसन माइक्रो फाइनेंस से छठी बार लोन ले रहे सर। पहले बार हमको 10,000 मिला था, उससे हमने अपना बिजनेस बढ़ाया। अब हम छठी बार में, अगली बार हमको 25,000 मिल रहा है सर। हम बहुत खुश हैं, इससे हमारा तरक्की हो रहा है, हमको बहुत साफ सुथरा लगा, हमको अच्छा लगा गॉडसन, इसीलिए हम गॉडसन से जुड़े हैं। गॉडसन माइक्रो फाइनेंस लोन ली हूँ। इस कंपनी की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। गॉडसन से लोन लेने के बाद हमें पैसा अपने ब्यूटी पार्लर में लगाए हैं, उससे बहुत हम उन्नति किए हैं और अपने बच्चों को, छोटी बड़ी जरूरतों को सब पूरा करते हैं। गॉडसन में जुड़ के हमें बहुत अच्छा लगा ला। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी सब खुशहाल रहते हैं। गॉडसन में जुड़ के हम बकरी का पालन करते हैं। शुरू शुरू में हम 10,000 लिए थे, तो 3-4 बकरी लिए थे, तब उसको मैं जतन करें, फिर लिए तो फिर 2-4 लिए, इसे ऐसे ऐसे करके करके हम बकरी का पालन कर रहे हैं। मैं गॉडसन बैंक से जुड़ी हुई हूँ। मैं लोन निकालने से हमको बहुत फ़ायदा मिला और 3 बार मैं लोन निकाल चुकी हूँ। और पहली बार जो लोन मेरा था, पहले 10,000 निकला था, उसके बाद मेरा 20,000। पहले एक भैंस थी, अब मेरे 2-2 भैंस हैं। हमको बहुत अच्छा लगा, सारी महिलाएं को भी अच्छा लग रहा है। गॉडसन माइक्रो फाइनेंस की सशक्त टीम श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव और उनके छोटे भाई श्री उदय प्रताप श्रीवास्तव की अगुवाई में गांव देहात के चप्पे चप्पे में समय समय पर जाकर लोगों के आर्थिक हालात पर नजर रखकर उनकी मदद करने का आश्वासन देती है। श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव
और गॉडसन ग्रुप ऑफ कंपनीज की सोच यही नहीं रुकी। स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत के सपने को सच कर दिखाने के लिए गॉडसन इंडस्ट्रीज लेकर आ रहे हैं सैंपी सैनिटरी पैड महिलाओं के लिए। जननी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पत्नी, बहू और किसी की बहन हूँ। मगर पुरुष प्रधान संसार में महिलाओं की इतनी उन्नति करने के बावजूद जन्मों जन्म से हम पर मासिक धर्म को लेकर किसी न किसी तरह की यातनाएं और प्रताड़ना किसी न किसी रूप में होती रही। मगर धैर्य और साहस हमारा हथियार है जो हमें जीने की शक्ति देता रहा और यह समाज चलता रहा। पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक संरचना ईश्वर की सृष्टि का वरदान है। मासिक धर्म इस जैविक प्रक्रिया का ही तो रूप है। मगर जाने क्यों यह संसार, समाज, मुआशिरा हमें ऐसे समय में घृणा की दृष्टि से देखता है। जाने क्यों हमें घर परिवार और अपनों से दूर कर दिया जाता है। क्या यही सृष्टि का नियम है? नहीं नहीं, यह सृष्टि का नहीं बल्कि धरती पर रहने वाले मनुष्य के अपने बनाए हुए नियम कानून है जो इस समाज की जननी को समाज से ही अलग कर देते हैं। क्या किसी ने कभी सोचा हमारी पीड़ा को, शारीरिक पीड़ा को, मानसिक पीड़ा को, हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क में चलते हुए इस अंतर्द्वंद को, हमारे स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन मृत्यु के बीच के संघर्ष को? अफसोस, फिर भी मुझे गर्व है कि मैं नारी हूँ, मैं जननी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं पत्नी, बहू और किसी की बहन हूँ। और आह्वान करती हूँ समस्त बहनों से कि प्राचीन प्रचलन को छोड़ें और अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए आधुनिक सैनिटरी पैड का इस्तेमाल करके स्वच्छ और स्वस्थ समाज का निर्माण करें। नमस्ते, मेरा नाम सृष्टि श्रीवास्तव है और मैं श्री विजय प्रताप श्रीवास्तव की बेटी हूँ। पीरियड्स एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में जानते सब हैं पर बात करना कोई खास तौर पे पसंद नहीं करता है। इसको अलग अलग भारत के अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, मासिक चक्र, महीना, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके इसको रेफर किया जाता है, इसके बारे में इसको संबोधित किया जाता है और इसके बारे में बोला जाता है। मैं एक खुद एक महिला हूँ और महिला के जीवन में एक नारी के जीवन में, एक लड़की के जीवन में ये जो दौर होता है ये अमूमन जो है 11 से 12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और तकरीबन 35 से 40 साल उम्र तक जाता है। ये एक ऐसा चीज़ है जो इतना प्राकृतिक है, इतना नेचुरल है और कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए बहुत एसेंशियल है। क्योंकि अगर महिलाएं मेंस्ट्रुएट नहीं करेंगी, अगर महिलाओं को पीरियड्स नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उनको आगे चल के कंसीव करने में प्रॉब्लम्स होगा। और इसके जीते जागते उदाहरण हमारे समाज में, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी लोग इस तरह के हैं जो मौजूद हैं, जो कंसीव ना करने की वजह से बहुत तरह की बीमारियों का सामना करते हैं। कि भारत में आज भी 82% महिलाएँ हैं जो सैनिटरी पैड्स का इस्तेमाल नहीं करती हैं। गॉडसन इंडस्ट्रीज का ये एम है, ये मिशन है कि हम इस परसेंटेज को ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रेरित कर सकें कि वो इन पैड्स का इस्तेमाल करें। काफ़ी अच्छा लग रहा है कि महिलाओं के बारे में इतना सोचा जा रहा है। नहीं तो पहले के समय में कहाँ कोई सोचता था, बस यही रहता था कि महिलाएं पड़ी हैं अपने एक कोने में, ये न छुओ, वो न छुओ, ये न करो, वो न करो। कांच गांवों में हम देखते हैं कि महिलाएं इस चीज़ पर खुलकर बात ही नहीं करती हैं। खुलकर क्या, छोड़ दीजिए, आप इस मामले में वो बात करना चाहती ही नहीं हैं। यहाँ तक कि अपने परिवार में अगर कोई इस समस्या से ग्रस्त है या उसको ये मतलब ये समय उसका आने वाला होता है तो वो छुपाया जाता है, उसको परिवार के अन्य लोगों से छुपाया जाता है, जो कि ये सही नहीं है।
तो और वो इस चीज़ के लिए पैड ना यूज़ करके कपड़ा यूज़ करती हैं, जो कि महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। मैं अपने समय की बात बता रही हूँ कि जब लड़कियाँ पीरियड आती थी तो अपने माँ और दादी से बोलती थी, जब वो बोलती थी तो माँ और दादी बोलती थी कि जाओ कपड़े का इस्तेमाल करो, तो कपड़ा तो इस्तेमाल हम लोग करते थे, लेकिन वो दिन वो समय का वो दिन उस दिन रहता है कि जो शरीर में इतना कष्ट महसूस होता है लड़कियों का कि जो किसी से कह नहीं पाती। पहले कपड़ा में बहुत परेशानी होता था, बहुत दिक्कत होती थी, औरत लोग महिला लोग बेराम हो जाती थी, बहुत परेशानी होता था, जैसे पैर दर्द होता, सर में दर्द होना, यही सब होता था, कैंसर भी हो जाता था कितने लोग को। पहले लोग इस्तेमाल करते थे कपड़ा, तो कपड़े से बहुत परेशानी होती थी, चलने में, बैठने में, उठने में, यहाँ तक कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जा पा रही थी उसके चक्कर में। गौरसन परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, इन्होंने सशक्त नारी सशक्त भारत को लेकर के जो प्रयास शुरू किया है उसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देती हूँ। जो संस्था का प्रयास है कि नारी का विकास हो, उनका आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसी में एक कार्यक्रम गौरसन परिवार की ओर से अभी स्टार्ट किया जा रहा है जो सैम्पी के माध्यम से है। सैम्पी एक सैनिटरी नैपकिन है जो महिलाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है। आज महिलाएं स्वस्थ रहेंगी, स्वच्छता की ओर अग्रसर होंगी, तभी जाकर के उनका आर्थिक विकास संभव है। गौरसन इंडस्ट्रीज पेश करते हैं सैम्पी विमेन सैनिटरी पैड, अ जेल लॉक टेक्नोलॉजी विद एनॉइन चिप। वी फोकस ऑन क्वालिटी, हेल्थ एंड हाइजीन, कंफर्ट, प्रोटेक्शन, डिजाइन एंड सस्टेनेबिलिटी। अ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट यूजिंग एनॉइन चिप फॉर डीप एब्जॉर्बिंग टेक्निक फॉर बेटर हेल्थ एंड हाइजीन दैट किल्स द हार्मफुल बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल बॉडीज with different sizes for more comfort and high class protection with double wings design, and it comes with biodegradable disposable bags to make it eco friendly as well. Premium quality anoint chip with gel lock technology comes with biodegradable bags, softer, simpler and better with reasonable prices. Health ko hai bachana to sampi ko zarur apnana. Humne ye sanitary pad sampi naam se लॉन्च किया है। हमारा मकसद इस बात को लेकर के है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं तक गांव सुदूर में मैं पहुंच सकूं, उन्हें अवेयर कर सकूं इसके लिए, और उन तक सस्ते दामों में और अच्छी क्वालिटी का सैनिटरी पैड पहुंचा सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वच्छ और स्वस्थ रहने की दिशा में प्रोत्साहित कर सकूँ। और इस बात को सोच करके मुझे बड़ा ही सुकून मिलता है कि नौतनवा के विकास की कड़ी में छोटा सा प्रयास मेरा भी रहा है। बाकी आने वाले समय में जो कुछ भी हमारी सोच है वो देश और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे योजनाएं हैं हमारी, उनको आने वाले समय में जैसे जैसे ईश्वर की कृपा होगी, आप सबका सहयोग रहेगा और जैसा हमारा विजन है उस विजन के अकॉर्डिंग आप सबके सहयोग से हम आगे और अपने कंपनी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और कंपनी को बढ़ा करके आगे ले जाने में सबसे पहला हमारा और अंतिम लक्ष्य ही होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के वेलफेयर का काम कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नारी को दो इतना सम्मान कि बड़े हमारे देश की शान। जय हिंद, जय भारत।